इसने पूरा हालत खराब करके रख दिया। आज है विश्वकर्मा पूजा। अब विश्वकर्मा पूजा के दिन टुक टुक लगा हुआ सूरज के यहाँ। अब टुक टुक आज ना धुल पाएगा ना पूजा हो पाएगा। बहुत बुरा, क्या बोलेंगे। बारिश अभी थोड़ा सा छूटा है तो मौसम ऐसा है, तो बोले कि चलो घर में है तो घर का ही कुछ काम उम कर लेते हैं। यहाँ पे जो नया बिया निकला था ना भिंडी वाला, पापा, उसी को छीटे हैं। दिख रहा है पैंट को तुम नहीं हो रहा, झाड़ू तुम लगा रहे हो, बढ़िया से झाड़ू लगाओ। ये देखिए फटल जीन्स, नया स्टाइल दिख रहा है। और घड़ी 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 वड़ी पहन, तुम करो ना काम। छी, मुंह में गया ना। अपना काम कर रहे हो, करो, भाग क्यों रहे हो। चलिए वो बछवा को छोड़ते हैं। देखिए बारिश इतना भयंकर हुआ, समझ में इतना कि सब पर्दा वर्दा खुल गया, हवा भी बहुत तेज जा रहा था ना। ये भाई टमाटर का पेड़ हमारा गिर गया, लेकिन इसमें पीला पीला फूल लगा हुआ है, इसी पीला फूल में टमाटर होता है। छोटा सा गार्डन हमारा, देख रहे हैं कैसा हो गया है। कैमरा एकदम साफ नहीं आ रहा। ये गोबर खाद भी हमारा गीला हो गया पानी जा जा के। खैर देखिए बैगन हुआ है, बैगन दिखाते हैं आपको। ये देखिए नीला वाला बैगन हुआ है, इसमें कीड़ा उड़ा नहीं लगा है, इतना ही छोटा, ठीक है, क्या करेंगे और बढ़ा के। और ये वाला कौन सा बैगन था भाई, समझ ही में नहीं आ रहा। सिर्फ फूल होता है लेकिन उसमें बैगन लग ही नहीं रहा है। तो यही सब आज का काम धाम हो रहा घर में। गाड़ी धोना था, पूजा करना था, मौसम अभी छूटा, अब क्या जाएंगे। तुम होशियार, स्कूटियां ले आइए, स्कूटी ले आइए, कौन करेगा पूजा। साइकिल यहाँ थोड़ी है, अच्छा यही है तो कौन करेगा, हम थोड़ी करेंगे। नहीं लाएंगे, बाहर कर दिए, पैर से दब गया मेरा झाड़ू। लड्डू काम कर रहे हैं, बाहर झाड़ू लगा रहे हैं लड्डू। और देखिए दोस्त, धान का खेत एकदम कैसा हरियाली हो गया, धान एकदम बड़ा बड़ा हो गया है। ये रहा हम लोग का, इस पर जो ढाले थे तो थोड़ा सा अच्छा हो गया यहाँ पे इतना। देखिए 5 फीट वाला रास्ता, इसी से हम लोग आना जाना पड़ता है। हो गया इतना बड़ा, पहले छोटा था, अब कितना बड़ा हो गया। हाँ फिर कुछ दिन में धान पक जाएगा, फिर धान का कटाई भी हो जाएगा। हो गया तो आपका हो गया लगा। देख लो ना, ये पतला आगे तक 5 फीट रास्ता है, फिर आरी आरी हम लोग को जाना पड़ता है। देखिए कितना धान जो है एकदम लहलहा रहा है, हवा चल रहा ना तो पूरा धान लहलहा रहा है पूरा। उसमें भी उसी से करो ना, उसी से उस साइड कर दो, उधर कर दो। हाँ या उस साइड कर दो या इधर कर दो, रहने दो ना, वो खराब हो गया धागा, उसमें थोड़ी है धागा, नहीं है उसमें। तो दोस्तों बारिश अभी छूटा है, आधा घंटा से छूटा हुआ है, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है। सूरज के यहाँ जाएंगे, गाड़ी निकालेंगे, नहीं हो पाएगा। हाँ स्कूटी ही लेके आते हैं, स्कूटी का ही कर देते हैं पूजा। वहाँ पे बच्चा लोग धो रहा है पानी से, वहीं पे धो देंगे और पूजा कर देंगे जाके। स्कूटी का ही कर देते हैं, क्या कर सकते हैं। इतना जो जबरदस्त पानी दिया कि संभव नहीं था गाड़ी को लाना। सब यहाँ पे मैं घर का साफ सफाई कर रहा हूँ, झाड़ू लगा दे रहा हूँ और जो जो काम है निपटा दे रहा हूँ। बारिश के कारण तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जा रही है। और आज तो गाड़ी का पूजा करने भी नहीं जा पाएंगे, तो वही घर का ये सब हमको काम करना पड़ रहा है। ये देखिए झाड़ू लगा दे रहे हैं फटाफट, उधर लड्डू तो मोबाइल देख रहे में व्यस्त है, लड्डू कुछ काम आज कर रहे नहीं रहे हैं, है ना। फटाफट जल्दी से हम झाड़ू लगाते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद मुझे भी बोलना है, बारिश हो रही तो क्या ही काम करेंगे, बरसात हो रहा है तो एंजॉय करेंगे, अब स्कूल में तो ना करनी ना धरनी, सब में दोस्त लोग कितना बेकार है ना, उन लोग से बोलना ही बेकार है। उन लोग कण कर दिया, खाली हमको डराते लेता
है। लड्डू कहीं का बात कहीं करते रहता है दोस्तों। तो हम कूलर साफ कर लिए थे, चादर भी झाड़ के बिछा दिए थे। अभी गोदरेज जो अलमारी का लोहा वाला, इसको हम पोछ ले रहे हैं। और इसको पोछने के बाद जो है कि हम ये पूजा का थाली लिए, छाता लिए और स्कूटी हम लाए हैं, वही जाके स्कूटी में पूजा करेंगे। तो कैमरा मैन नहीं होने की वजह से देख रहे ना, कैमरा भी पकड़ना पड़ रहा है और पूजा का थाली भी और छाता भी। हल्का हल्का बारिश दे रहा है। ये देखिए हम लोगों में तो रास्ता है ही नहीं अभी, इतना कंजेस्टेड, इतना जो है कि गली वाला रास्ता में जाना पड़ता है। अभी हम आ गए जहाँ पे गाड़ी स्कूटी हमारा रखा हुआ है। यहाँ पे हम थाली नीचे गिट्टी पे रख दिए हैं। कैमरा को सेट करते हैं पहले, और कैमरा रखना चाहिए, ये सब गलत बात है। सिर्फ मोबाइल देखना चाहिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सही बात है। गंदा जगह में रख रहे तो चलना चाहिए था ना साथ में। ये बच्चे का फालतू का भाषण है दोस्तों, इसको इग्नोर कीजिए, कोई काम का नहीं है। हाँ तो मोबाइल अच्छा भाषण है तो मोबाइल देख रहे थे, जाना चाहिए था। यहाँ पे देखिए कैमरा मैन नहीं होने की वजह से कैमरा को हम नीचे रख दिए हैं और वहाँ पे स्वास्तिक बनाने का कोशिश किए, लेकिन हम पूजा नहीं करते हैं इस वजह से स्वास्तिक भी नहीं बना पाए। तो जैसे तैसे हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा स्वास्तिक बना तो कोई बात नहीं। वैसे भी लोग सोचेंगे कि पानी से धुल गया है, तो मैंने उतना कोई माइंड नहीं लिया। मैं सबसे पहले जल चढ़ाया और उसके बाद जो है कि सिंदूर रेड़ी लगाया और अच्छा जो चावल बोलते हैं उसको लगाया मैंने थोड़ा सा। हमारे पास मिस्त्री खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे तो चीनी से लगा के पूजा कर दिया हमने अगरबत्ती जला के। अभी हम आ गए थे अपनी गाड़ी लेने के लिए, लेकिन मेरा गाड़ी को सूरज चार्ज नहीं किया था तो उसी का गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। जब तक दो तीन घंटा तक गाड़ी हमारा चार्ज हो जाए तो इसी के साथ घूमेंगे। देख रहे हैं ना कुत्ते भी कार पे मस्ती कर रहे थे। तो अब क्या है कि इसका गाड़ी खुला खुला है और सामने से भी छोटा है तो पानी मारता है तो भींगने का बहुत चांसेस ज्यादा है। लेकिन क्या करें, बैठ के क्या करते उसके घर में, इसी वजह से हम चले गए। बोले चलो भाई तेरे साथ चलते हैं। पूजा भी आ चुका है, मेला तो लग चुका है, बारिश होने के कारण मेला नहीं चल पा रहा है। तो हम अब मेला खत्म हो गया, मेला खत्म ही था। पूजा तो पूजा के दिन में मेला था ना, गाड़ी काफी झटका मार रहा था, काफी ज्यादा सेक हो रहा, वीडियो बहुत ज्यादा हिल रहा था। मोबाइल में ही होता है और सूरज का पुराना गाड़ी है तो जंप भी ज्यादा करता है, इस वजह से देख रहे कैसा वीडियो बन रहा था, पूरा उछल रहा था। मेरा गाड़ी रहता तो थोड़ा स्टेबल वीडियो आता, क्योंकि मेरा गाड़ी इतना जंप नहीं करता है, इतना उछलता नहीं है। अभी स्टेशन पे आ गए हम लोग, स्टेशन पे कोई सवारी नहीं है, बारिश हो रही है। बारिश जो है कि पूरा एकदम जो 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण से पैसेंजर भी नहीं मिल रहा, कमाई भी नहीं हो रही है। अभी देख रहे हैं ये पीछे का सीन, हम लोग आ गए थे आरा गेट की तरफ, बहुत दिक्कत। यहाँ पे एक बुकिंग मिला था 100 रुपए का, तो उसी को सूरज छोड़ने आया था, है ना। तो और मैं क्या बोल रहा था, ये बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया, तूफान आया, मानसून क्या बोलते हैं, उसी का असर है रांची में। काफी दिनों से बारिश हो रहा था। अभी हम आ गए आई ड्रॉप खरीदने के लिए। बोला कि चलो भाई आई ड्रॉप नहीं है तो पतंजलि का ये वाला असौम्या आई ड्रॉप ले लेते हैं, काफी रिलैक्स रहता है। उसके बाद हम मैगी देख लिए, मैगी देख रहे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बस। मैं ये सैनिक मार्केट है ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास में, तो हम देख रहे हैं कि प्राइस भाई कैसा है, चीप है या फिर महंगा है। मार्केट से कंपेयर कर रहे थे, किशमिश हमको अच्छा लगा, रेट 250 ग्राम 60 रुपए का था, तो बोले कि किशमिश भी देख लेते हैं। जो मैगी आप लिए थे ना पापा, वाला मैगी बहुत टेस्टी, ये क्रीम ले रहे थे मैडम के लिए।